39 भारतीयों की हत्या के सवाल पर बोली सुषमा स्वराज, कहा उनकी कब हत्या हुई उसकी जानकारी। सुषमा स्वराज ने विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह की तारीफ की, कहा मोसुल में शवों के ढेर से सच्चाई खोज कर लाए। विदेश मंत्री ने कहा मारे गए सभी 39 भारतीयों के पार्थिव शरीर अमृतसर लाए जाएंगे, उसमें से 31 पंजाब से। सुषमा स्वराज ने कहा बांग्लादेशियों को अरबिल भेज दिया गया लेकिन भारतीय वहीं रह गए। राज्यसभा में सुषमा स्वराज ने इराक सरकार की भी तारीफ की, कहा इराक के एक संगठन ने भी डीएनए सैंपल की जांच में सहयोग किया। लोकसभा में सुषमा स्वराज के बयान पर विपक्ष का हंगामा, कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई। लोकसभा में हंगामे को लेकर स्पीकर ने नाराजगी जताई, कहा संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति न करें। लोकसभा में हंगामे को लेकर सुषमा स्वराज का बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ने ऊंची राजनीति की सारी हदें पार की। सुषमा स्वराज ने कहा कांग्रेस अध्यक्ष ने जानबूझकर हंगामा करने को कहा, कांग्रेस का नेतृत्व तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे थे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कांग्रेस के आरोपों पर कहा मैंने किसी को अंधेरे में नहीं रखा। सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में गलत साल बताने की बात मानी, कहा 15 जून 2014 की जगह 2015 कह दिया था। सुषमा स्वराज ने कहा 9 जुलाई 2017 को मोसुल आजाद हुआ, 10 जुलाई को वीके सिंह इराक गए। सुषमा स्वराज के बयान पर बोले शशि थरूर, पूछा भारतीयों की मौत की जानकारी सरकार ने देने से क्यों दी। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने संसद को गुमराह करने का आरोप लगाया, कहा पिछले साल 39 भारतीयों को जिंदा बताया और अब मारे जाने की सूचना। मोसुल में 39 भारतीयों की हत्या पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा इसकी पहले से उम्मीद थी, ऐलान पहले ही कर देना चाहिए। 39 भारतीयों की हत्या पर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह, कहा किसी को गुमराह नहीं किया गया। मोसुल में 39 भारतीयों की हत्या पर ममता बनर्जी ने दुख जताया, मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई। राज्यसभा में 39 भारतीयों को श्रद्धांजलि दी गई, 2 मिनट का मौन रखा गया। मोसुल में मारे गए अमृतसर के मनजिंदर सिंह के परिवार में मातम परिवार ने दिल की सूचना देने पर नाराजगी जताई। इराक में मारे गए जलंधर के देवेंद्र सिंह के परिवार में मातम परिवार का रो रोकर बुरा हाल। इराक में मारे गए सुरजीत कुमार के परिवार में शोक, पत्नी ने सरकार से मदद की लगाई गुहार। सिवान के विद्याभूषण तिवारी के घर में मातम का माहौल, चाचा पुरुषोत्तम ने कहा भरोसा नहीं मिलता। आईएसआईएस की चुंगुल से भागे हरजीत मसीहा का बयान, कहा 39 भारतीयों की हत्या पर मैंने सच कहा था। पटना में पूर्व शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी का शक्ति प्रदर्शन, श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित युवा सम्मेलन में सीएम नीतीश कुमार हुए शामिल, कहा भ्रष्टाचार और समाज तोड़ने वाली नीति से कोई समझौता नहीं। सम्मेलन में सीएम ने दरभंगा में हुई हत्या के मसले पर रुख साफ किया, सीएम ने कहा कि हत्या जमीन के विवाद की वजह से हुई और कुछ लोग उसे जानबूझकर राजनीतिक दंग देने में जुट चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आरक्षण को लेकर राजनीति करने वालों को भी चेताया, सीएम ने कहा कि इस देश में किसी में दम नहीं कि वो आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर सके। जेडीयू से बगावत करने वाले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि आज देश के जो राजनीतिक हालात हैं उसको 2 मौसम वैज्ञानिकों ने पहले से मान लिया। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में काम कम और संग्राम ज्यादा देखने को मिल रहा है, सदन की कार्यवाही शुरू होते ही दरभंगा और भागलपुर के मुद्दे पर सदन में हंगामा ही हंगामा दिखा। आरजेडी विधायकों ने वेल में पहुंचकर हंगामा किया और गिरिराज सिंह के साथ अश्विनी चौबे की बर्खास्तगी की मांग की, वहीं पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने पीएम से दोनों मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की। सदन में हंगामे के दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्ष का मकसद सिर्फ हंगामा करना होता है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है इसकी जानकारी होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का लगाया आरोप, तेजस्वी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे पर कार्रवाई की मांग।
आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने सरकार पर साधारण निशाना। उन्होंने कहा कि सदन में हम समाज के मुद्दे को उठा रहे हैं, दो केंद्रीय मंत्रियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। बिहार विधान परिषद में भूजा चर्चा का विषय बना रहा। बीजेपी एमएलसी रजनीश कुमार ने सरकार से भूजा को कुटीर उद्योग में शामिल करने की मांग की। वहीं कई विधान परिषद के सदस्यों ने इसका सपोर्ट किया। दरभंगा में कथित नरेंद्र मोदी चौक को लेकर हत्या मामले में मंत्री नंदकिशोर यादव की प्रतिक्रिया। कहा कि डीजीपी के बयान से संतुष्ट नहीं हूं, मामले में पूरी जांच की जरूरत। तेज नारायण यादव के पिता की हत्या हुई है, परिवार पर हमला हुआ। दरभंगा में नरेंद्र मोदी चौक विवाद की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन। डीएम ने 24 घंटे के भीतर मांगा रिपोर्ट। चौक विवाद में हुई थी बीजेपी कार्यकर्ता के पिता की हत्या, प्रशासन के मुताबिक जमीन विवाद में हत्या। बिहार में पुलिस एक बार फिर से जमीन विवाद सुलझाएगी। डीजीपी एसके द्विवेदी ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। डीजीपी ने कहा कि जमीन विवाद को लेकर शांति भंग होगी तो पुलिस हस्तक्षेप करेगी। रिम्स में भर्ती लालू की सेहत में तेजी से हो रहा सुधार। बीमारियों के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन। रांची पहुंचे जीता राम मांझी को नहीं हुई लालू से मुलाकात। मांझी ने जताई नाराजगी। केंद्रीय मंत्री रामविलास ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पासवान ने कहा कि देश में पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे और पूरा एनडीए मजबूत है। दिल्ली में कांग्रेस के महाधिवेशन के बाद अब बिहार में कांग्रेस विधायकों के सामने विधान परिषद चुनाव की परीक्षा। कई कांग्रेस के विधायक दिखे एक साथ, वहीं कई विधायक भोज में नहीं हुए शामिल। सुपौल जिला सदर अस्पताल की जांच में चौंकाने वाले खुलासे। अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही की कहानी आई सामने। जेडीयू नगर अध्यक्ष रवि कुमार आवेदन पर जिलाधिकारी के आदेश पर किए जांच में खुलासा। 29 दिसंबर 2017 को रवि कुमार की बहू के इलाज के दौरान डॉक्टर की लापरवाही का था मामला। समस्तीपुर के दलसिंह सराय प्रखंड के नगरगामा पंचायत के वार्ड नंबर 7 के सैकड़ों महादलित परिवार आज भी मूलभूत सुविधाओं से हैं वंचित। ना तो इंदिरा आवास के पूरे पैसे मिले, ना ही गली मोहल्ले में सड़कें बनी, पानी और शौचालय की सुविधा से भी है महिला। मुजफ्फरपुर में बिहार यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया सड़क जाम। अभी तक किसी छात्र को नहीं मिला है एडमिट कार्ड। छात्रों ने की परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग। पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र के कटरा बाजार इलाके में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने साइकिल सवार को रौंद दिया। लोगों ने आनंद फानंद में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। ट्रैक्टर छोड़ भाग रहे ड्राइवर को लोगों ने जमकर की पिटाई। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है ड्राइवर। भागलपुर के ढोलबच्चा गांव में दो सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। सुभाष चौक मुख्य बाजार में संतोष कुमार की दुकान में लगी आग। कई कीमती सामान जलकर नष्ट। सूचना मिलने पर अनुमंडल पदाधिकारियों के निर्देश पर दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची। पटना में पीरबहोर के मखनिया कुआं के हॉस्टल संचालक पर लड़कियों ने नहाने के दौरान ताक झांक करने का लगाया आरोप। इसे लेकर लड़कियों ने ही हॉस्टल संचालक के घर जाकर किया हंगामा। मुंगेर के तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ। चुनाव शुरू हो चुके हैं, चुनाव शांतिपूर्ण हो इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। पटना सिटी के तख्तश्री हरिमंदिर में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव से पहले मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर कई सिख मतदाता गुरुद्वारा परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। कई मतदाताओं ने गुरुद्वारे के मुख्य गेट के पास धरना प्रदर्शन किया। मोतिहारी में एक स्कूल संचालक की हैवानियत आई सामने। पत्नी और एक बच्चे की बेरहमी से पिटाई। राहुल गुप्ता पर स्कूल में बच्चों को बेरहमी से पीटने का आरोप। दरभंगा जेल में मंगलवार को एपीएम थाना के कांड के कैदी सूरज झा ने फिनाइल पीकर आत्महत्या की कोशिश की, जिसे दोपहर में जेल अधीक्षक की गाड़ी में गुपचुप तरीके से जेल उपाधीक्षक के नेतृत्व में डीएम से चलाया गया। सूरज ने बताया कि दीपक राय नाम का कैदी उसे बार बार परेशान किया करता था। किशनगंज में ठेकेदार बालू खदानों के लाइसेंस की आड़ में बालू के काले खेल को अंजाम दे रहे हैं। जिला प्रशासन और माइनिंग विभाग के साथ आपसी मिलीभगत कर रहे हैं घपला। इससे राज्य सरकार को हो रहा है करोड़ों के राजस्व का नुकसान। बेगूसराय में रिटायर्ड बीएसएफ जवान के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सीआई ओपी के काजी रसूलपुर चौक की है। ट्रेन से उतरने के बाद घर जाने के दौरान मारी गोली। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुट चुकी है। देश विरोधी नारे वाले वायरल वीडियो मामले में एफएसएल की टीम अररिया पहुंची। तीन सदस्यीय टीम ने थाना अध्यक्ष से मामले में जानकारी हासिल की। जांच के लिए जेल में बंद आरोपी युवकों के वॉइस सैंपल भी लिए गए। कथित मोदी चौक के नाम पर हत्या के मामले में दरभंगा जिलाधिकारी द्वारा बनाई गई तीन सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची। पीड़ित के परिवार से मुलाकात कर घटनाक्रम के साथ
सभी बिंदुओं पर जानकारी ली। उसके बाद गांव के प्रमुख लोगों से भी की गई पूछताछ। जहानाबाद जिले के अरवल सीमा पर स्थित शकुराबाद थाना क्षेत्र के हरना मुसरी टोला में छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब जब्त की है। मामले में 10 महिला सहित 21 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया है। वहीं बड़ी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण के साथ सैकड़ों लीटर शराब भी बरामद किया है। अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने अपने 4 दिनों के दौरे के दौरान गोपालगंज परिसदन में पत्रकारों से की बातचीत। खुले में शौच मुक्त अभियान को लेकर रखी अपनी राय। जिला प्रशासन के प्रयास की तारीफ। मोदी सरकार के खुले में शौच मुक्त अभियान की भी तारीफ की। चैती छठ मेले के मद्देनजर सुविधाओं का जायजा लेने डीएम पहुंचे औरंगाबाद। इस दौरान सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। पटना के गांधी मैदान में होने वाले 3 दिवसीय बिहार दिवस को लेकर जिला प्रशासन की सभी तैयारियां पूरी। मुख्य अतिथि के तौर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू होंगे शामिल। सुरक्षा के मद्देनजर ट्रैफिक रूल में किया गया बदलाव। झारखंड में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की लिस्ट। रांची से मेयर और डिप्टी मेयर के लिए फिर से आशा लकड़ा और संजीव विजयवर्गीय उम्मीदवार। चाईबासा में बीजेपी ने अनूप सुल्तानिया को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया, जबकि जेएमएम ने मिथिलेश कुमार ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है। दोनों के प्रत्याशियों ने अपने अपने जीत के दावे किए। झारखंड सरकार में नगर विकास मंत्री सीपी सिंह से रंगदारी मांगने का मामला आया सामने। अपराधियों ने फोन करके मंत्री से रंगदारी की मांग की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साहेबगंज से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही। खूंटी में पत्थलगड़ी के समर्थन में ग्रामीणों ने किया मुरूह थाने का घेराव। केंद्र से झारखंड को बड़ी सौगात। देवघर में 120 करोड़ की लागत से बनेगा प्लास्टिक पार्क। घाटशिला में आयोजित 2 दिवसीय रंगकिनी महोत्सव का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन। कार्यक्रम के पहले दिन सीएम रघुवर दास ने किया अपना उद्घाटन। देश विदेश में भोजपुरी और लोकगीत को एक अलग पहचान दिलाने वाली गायिका पद्मश्री से विभूषित माननीय अवस्थी पहली बार रामनगरी घाटशिला पहुंचे। सिमडेगा में आज सीएम रघुवर दास वन दुर्गा मंदिर पहुंचे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने किया सीएम का स्वागत। झारखंड में प्रकृति पर्व सरहुल की धूम। रांची के अलबटेका चौक पर शोभा यात्रा में शामिल हुए सीएम रघुवर दास। पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन। धनबाद में भी सरहुल धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर की पुलिस लाइन में पुलिस परिवार की ओर से पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी मनोज रतन चौथे समेत तमाम पुलिस अधिकारी शामिल थे। लोहरदगा में भी सरहुल की धूम देखी गई। इस मौके पर झखरा कुंभा में पाहन पुजारी ने पूजा अर्चना की। इस मौके पर विधायक सहित कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। प्रकृति पर्व सरहुल की धमक हर तरफ दिखाई दे रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में जनजातीय भाषा विभाग के अखाड़ा में सरहुल मनाया गया। इस दिन सकुआ के पेड़ के नीचे पारंपरिक तरीके से पूजा की जाती है। झारखंड में प्रकृति के पर्व सरहुल की धूम है। कोडरमा के लखी बागी स्थित सरना सल्तन आदिवासी समुदाय के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में पारंपरिक तरीके से रैली निकालकर सरहुल मनाया। अब देवघर के विलियम्स टाउन में कड़कनाथ प्रजाति का चिकन मिलना शुरू हो गया है। नाबार्ड के सहयोग से एक निजी संस्था द्वारा देवघर में राज्य का पहला कड़कनाथ प्रजाति की मुर्गी का पोल्ट्री फार्म खोला गया है। इस प्रजाति के चिकन में 0% कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है और ये बेहद ही लाभकारी है। झारखंड में अब एचआईवी से ग्रसित लोगों को वायरल लोड टेस्टिंग के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और न ही इसके लिए भारी रकम चुकानी पड़ेगी। इसके लिए सरकार द्वारा पहल की गई है और पीपीपी मोड पर
वीएलटी जांच के लिए मुंबई की एजेंसी मेट्रोपॉलिश हेल्थ केयर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। रामगढ़ के मोराम कला गांव में स्थित माया त्रिवेणी पर मां महामाया का मंदिर है। नवरात्र के मौके पर श्रद्धालु अपनी मुरादें मांगने पहुंचते हैं। मां के दरबार समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सैकड़ों साल पुराना माता का यह दरबार है। जहानाबाद के उकरी ओपी क्षेत्र में ट्रैक्टर और ऑटो की टक्कर में दो लोगों की मौत और 6 घायल, 2 की हालत गंभीर। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। जमशेदपुर के बहरागोड़ा में पायलट की समझदारी से टला बड़ा हादसा। एयरफोर्स का जेट विमान हुआ क्रैश, पायलट ने हेलीकॉप्टर को नदी में उतारा। गुमला लोहरदग्गा बॉर्डर पर पुलिस और नक्सलियों में हुई मुठभेड़। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी के बाद भागे नक्सली। सर्च ऑपरेशन में विस्फोटक और कई सामान बरामद। पलामू में गुप्त सूचना के आधार पर जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के सदस्य रविंद्र पासवान उर्फ टीजीएम को गिरफ्तार किया। धनबाद के झरिया में भगवा झंडा जलाने में पुलिस ने की कार्रवाई। देर रात 3 नामजद मोहम्मद चांद, मोहम्मद अरशद और मोहम्मद फिरोज को गिरफ्तार किया। देवघर की सलूना टांड मोहल्ले में महिला ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी करनी। महिला का पति अपनी बेटी को परीक्षा दिलाने गया था और महिला कन्या थी। राहुल गांधी की नई टीम के ऐलान से पहले कांग्रेस में इस्तीफों का दौर। सूत्रों के मुताबिक के बाद चिबपत ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ा। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी का भी इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक नए अध्यक्ष चुने जाने तक पद पर बने रहने को कहा गया। आधार मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार अपना पक्ष रखेगी। यौन शोषण के आरोपी जेएनयू के प्रोफेसर को जमानत मिली। अतुल जौहरी के वकील ने अटेंडेंस की सख्ती के खिलाफ छात्रों पर साजिश का आरोप लगाया। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 62 शिक्षा संस्थानों को सैधता दी है। मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का ऐलान। स्वायत्त संस्थानों के लिस्ट में बीएचयू, एएमयू, जेएनयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम। 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 21 राज्य स्तर की यूनिवर्सिटी का नाम शामिल। दिल्ली के कैंट इलाके में सेना का निलंबित अफसर गिरफ्तार। बड़े अफसरों के घर में चोरियों को अंजाम देता। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में 8 साल की बच्ची से रेप। पड़ोस में रहने वाला 20 साल का युवक गिरफ्तार। दिल्ली के नडेला में बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या। कार में आए बदमाशों ने 8 गोलियां मारी। चीन की स्मार्टफोन कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने आमिर खान। आमिर से पहले रणवीर सिंह इस मोबाइल फोन कंपनी को प्रमोट कर दिए। रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा की हीरोइन का हुआ ऐलान। रणवीर सिंह के साथ सारा अली खान फिल्म देखेंगे। फिल्म ब्लैकमेल की एक्ट्रेस रणबीर कपूर को ब्लैकमेल करना चाहती है। कीर्ति ने कहा है कि मौका मिला तो रणबीर को फिल्म साफ करने की ब्लैकमेल। दीपिका रणवीर सिंह की शादी की फर्जी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। फैंस पूछ रहे हैं दीपिका रणवीर से शादी पर सवाल। फिल्म रेस 3 को हिट कराने के लिए सलमान ने दोहराया लकी ब्रेसलेट का टोटका। फिल्म के हर सीन में ब्रेसलेट में सलमान ने। फिल्म वो कौन थी के रीमेक में नजर आ सकती है शाहिद और ऐश्वर्या की जोड़ी। फिल्म के निर्माता दोनों स्टार से बात कर रहे हैं। सलमान खान की फिल्म भारत में नजर आ सकती है प्रियंका चोपड़ा। फिल्म की शूटिंग का शेड्यूल तय। 100 शहरों की खबरें दिखाने के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी, ये बीमारी इतनी आम हो चुकी है कि इंटरनेशनल डायबिटीज